Hello guys, welcome to the free UPSC preparation. We are covering comparative public administration in public administration lecture series. और आज का हमारा lecture based रहेगा historical and sociological factor affecting administration and administration and politics in different countries. ठीक है, so अभी तक हम around 50 lectures complete कर चुके हैं. उसके अलावा current affair and other lectures भी available हैं channel पे. सो सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट. कोई क्वेरी है, कोई कंसर्न है, कोई डाउट है, देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन. यू कैन फॉलो मी ऑन टेलीग्राम एज वेल एज ऑन फेसबुक पेज. ठीक है, सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर. आज का लेक्चर जो है वो थोड़ा सा एग्जाम्पल बेस्ड है. ठीक है, थोड़ा सा ज्यादा ही एग्जाम्पल बेस्ड है. सो आई होप थोड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा ये टॉपिक हमारे लिए. सबसे पहले चीज है हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम. देखिए, कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन है कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो अपनी हिस्ट्री से या अपनी सोसाइटी से, अपने एनवायरनमेंट से अफेक्टेड ना हो. ठीक है, कोई भी चीज वैक्यूम में काम नहीं करती. एक सिस्टम होता है, एक ओपन सिस्टम होता है. जैसे ओपन सिस्टम इन द सेंस कि वो अपने एनवायरनमेंट को अफेक्ट करेगा एज वेल एज एनवायरमेंट से खुद भी अफेक्ट होगा. सो डेफिनेटली एडमिनिस्ट्रेशन के ऊपर हिस्ट्री और उसकी सोसाइटी अफेक्ट करती ही करती है. ठीक है, अफेक्ट डालती ही डालती है. देन इट इज क्लियरली एविडेंट दैट हिस्टोरिकल इवेंट्स हैव लेड टू द इन्वेंशन ऑफ मेनी एडमिनिस्ट्रेटिव प्रैक्टिसेस दो देयर आर एप्लेंटी हाउअर सम एग्जांपल्स आर साइटेड बिलो. बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखने को मिल जाएंगे. एक छोटा सा एग्जांपल यहाँ पर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का लेते हैं. तो बहुत सारे ऐसे मतलब ऑफिस हैं जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे, या बहुत सारे ऐसे सिस्टम हैं जो ब्रिटिशर्स ने स्टार्ट किए थे और अभी तक हम उनको फॉलो कर रहे हैं. ऑब्वियसली वो हमारा हिस्ट्री, वो हमारे एक हिस्ट्री का पार्ट रहा है, तो हम उसको फॉलो कर रहे हैं. ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं इंग्लिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम की, यानी कि इंग्लैंड की. सो इंग्लैंड के पास आपको पता है कि रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है. ठीक है, इसीलिए इसको फ्लेक्सिबल कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है. और वहां पर मोनार्की इन द सेंस कि वहां पर एक किंग या क्वीन है. ठीक है, हेरिडेटरी पोजिशन पे है वो. एंड द पीपल लिव देयर थ्रू कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन गोइंग ऑन फ्रॉम टाइम इमेमोरियल. एक चीज देखिए, रिटन कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है और ये 21st century और आज तक इंग्लैंड को जरूरत भी नहीं महसूस हुई रिटन कॉन्स्टिट्यूशन की. वहां पर मोनार्की और लोग सिर्फ कन्वेंशन एंड ट्रेडिशन को फॉलो करके जी रहे हैं. ऑब्वियसली उनकी हिस्ट्री ऐसी है या उनकी सोसाइटी भी ऐसी बनती गई है. ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल ले अगर हम इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम का, देन सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे यहाँ रिजर्वेशन है. ठीक है, रिजर्वेशन बनाया गया क्योंकि हमारे यहाँ की सोसाइटी काफी डाइवर्स है. डाइवर्सिटी को अकोमोडेट करने के लिए रिजर्वेशन बनाया गया है. और रिजर्वेशन ऐसे नहीं दिया गया, बहुत सारे हिस्टोरिकल इवेंट हुए हैं. अब 1909 से याद कीजिए, जब सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम लागू किया गया था ब्रिटिशर्स के द्वारा. उसके अलावा माइनॉरिटी के लिए सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम डेवलप किया गया था. ठीक है, देन बीआर अंबेडकर और बहुत सारे ऐसे इवेंट हुए हैं हिस्ट्री के अंदर जिसकी वजह से रिजर्वेशन पॉसिबल हो पाया है. ठीक है, सेकेंड थिंग, बहुत सारे सोशल लॉ है इंडिया के अंदर दैट आर मेड फ्रॉम द सोसाइटी लाइक पंचायत. ठीक है, गांव में हम काफी सारी चीजें इसीलिए फॉलो करते हैं क्योंकि वो काफी लंबे टाइम से चलती आ रही है. ट्राइबल वेलफेयर पे एक स्पेशल अटेंशन दिया गया है ड्यू टू एग्जिस्टेंस ऑफ ट्राइबल इन द सोसाइटी. वो सोसाइटी, ये देखिए सोशियोलॉजिकल फैक्टर किस तरीके से अफेक्ट करता है एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को. ठीक है, हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर भी ट्राइबल्स के लिए स्पेशल प्रोविजंस हैं. देन मैनी ऑफिसेज आर रेमनेंट ऑफ ब्रिटिश लेगेसी, जैसे कि ऑफिस ऑफ कलेक्टर, पुलिस डिपार्टमेंट, सिविल सर्विस एक्सेट्रा. इवन जो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन है वो मुगल जो एडमिनिस्ट्रेशन था वहां से लिया गया है. ठीक है, सो रिवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन हियर इज अ मॉडर्न वर्जन इंस्पायर्ड बाय द हिस्टोरिकल मुगल वन. सो कहने का अर्थ यही है कि डेफिनेटली हिस्ट्री एंड सोसाइटी जो है वो हर एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम को अफेक्ट करती ही करती है. कुछ एग्जाम्पल और हैं यूएसए और फ्रांस का. यूएसए के अंदर क्या है, जैसे अगर हम बात करें सबसे पहले सिविल वॉर की. ठीक है, तो सिविल वॉर के अंदर क्या हुआ था कि जो अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स थे वो सिविल वॉर के बाद ही उनको सिटीजन्स का टाइटल मिल पाया था, सिटीजन्स का दर्जा मिल पाया था, वोट डालने का भी अधिकार मिल पाया था. ठीक है, ए फ्यू ऑफ देम साइटेड, जैसे कुछ एग्जांपल्स में से सिविल वॉर दैट लेड टू द प्रोवाइडिंग अफ्रीकन अमेरिकन स्लेव्स वर गिवन द टाइटल ऑफ सिटीजन्स एंड राइट टू वोट. सेकेंड क्या है, सेकेंड सिविल राइट मूवमेंट हुआ था. ठीक है, मार्टिन लूथर किंग जूनियर के अंडर जो सिविल राइट मूवमेंट चला था उसके अंदर क्या है, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करने के लिए कोशिश की गई थी. ठीक है, एंड मतलब आज के दिन जो सोसाइटी है यूएसए की वो हमेशा से ऐसी नहीं थी. तो ऑब्वियसली एडमिनिस्ट्रेशन डेवलप हुआ है और वो किस तरीके से डेवलप हुआ है, वहां की हिस्ट्री की वजह से या वहां की सोसाइटी की वजह से या वहां के सिटीजन्स ने ऐसा चाहा इसलिए हुआ जैसा है. सेकेंड मतलब बात करें फ्रांस की,
तो हमने ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में पढ़ा था जब हम एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल्स वगैरह डेलीगेटिव लेजिस्लेशन के बारे में हम कवर कर रहे थे, यानी कि जो सिक्स टॉपिक था हमारा एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, तब हमने ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में बहुत अच्छे से कवर किया था। बेसिकली ये क्या था, सेपरेट लॉ फॉर सिविल सर्वेंट एंड फॉर ऑर्डिनरी सिटीजन्स, ठीक है। सो ये जो ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहाँ से ओरिजिनेट हुआ, तब भी मैंने बताया था आपको कि नेपोलियन बोनापार्ट के टाइम से चलता आ रहा है, ठीक है। सो अरेंजमेंट ऑफ ड्रॉइड एडमिनिस्ट्रेशन कुड बी सीन एसोसिएटेड विद द अप्रोच एंड फंक्शनिंग ऑफ नेपोलियन बोनापार्ट। नेपोलियन बोनापार्ट का तो आपको पता है, ठीक है, हु सेट द टेबल फॉर सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेशन एज एन एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन। देन सेकेंड थिंग क्या है, फ्रांस के बारे में बास्टिल इंसिडेंट हुआ था, हिस्ट्री में आप पढ़ते हो, ठीक है, बास्टिल इंसिडेंट। सो विच वॉज फ्यूल्ड बाई इकोनॉमिक क्राइसिस, और उसकी वजह से क्या हुआ कि इकोनॉमिक क्राइसिस की इन्फ्लेशन इतना बढ़ गया था, लोग ब्रेड के लिए लाइन में लगते थे और कॉस्ट बहुत हाई हो चुकी थी, तो लोग इतने ज्यादा मतलब गुस्से में आ गए थे कि मोनार्की जो किंग था वो उनको ओवरथ्रो कर दिया गया था और वहां पर एक रिपब्लिकन सिस्टम को लाया गया था, ठीक है। देन उसके बाद ही ये इंसिडेंट होने के बाद ही क्या हुआ, establishment of declaration of right of man and citizens that led to the first step of France constitution framing. So आपको मुझे कमेंट सेक्शन में क्या बताना है कि ये जो बास्टिल इंसिडेंट था ये बेसिकली था क्या, ये वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेटेड है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट इंसिडेंट है, ठीक है, क्योंकि ये एक ऐसा इंसिडेंट है जो शुरुआत मानी जाती है, उसके बाद तो फिर मतलब हिस्ट्री के अंदर काफी सारे मूवमेंट देखने को मिलेंगे आपको। अब यहाँ पर खत्म होता है हिस्टोरिकल एंड सोशियोलॉजिकल फैक्टर अफेक्टिंग एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं एडमिनिस्ट्रेशन एंड पॉलिटिक्स इन डिफरेंट कंट्री। ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए क्योंकि कंपेयर करना, ये हमारे जो मेंस का पेपर होता है यूपीएससी मेंस का, जो सेकंड पेपर होता है जनरल स्टडी का, उसके अंदर एक अलग से टॉपिक है कंपैरिजन ऑफ डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, कंपैरिजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। तो सेम चीजें यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं और ये हमारा मतलब पब्लिक एड का भी टॉपिक है और पॉलिटी का भी टॉपिक है, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिस्कस करते हैं यूएसए के बारे में। यूएसए का आपको पता है कि फेडरल है, रिपब्लिकन कंट्री है और प्रेसिडेंट ही नेशनल हेड है और एग्जीक्यूटिव हेड है, ये आपको बताने की जरूरत नहीं है प्रेसिडेंट के बारे में। तो सेकंड थिंग क्या है कि नेशन का जो है कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और हर स्टेट का कॉन्स्टिट्यूशन अलग है, लेकिन सब इकट्ठे रहते हैं, ठीक है, लेकिन फर्स्ट थिंग इज दैट कि सारे के सारे अपनी ऑटोनॉमी में रहते हुए भी एक साथ काम करते हैं, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस स्पेसिफाइज द सब्जेक्ट, जैसे हमारे यहाँ डिविजन ऑफ पावर है वैसे वहां पर भी डिविजन ऑफ पावर है, नेशनल या फेडरल लिस्ट है और स्टेट लिस्ट है। सेकेंड थिंग क्या है, जो रेजिड्यूरी पावर्स होती हैं वो क्या स्टेट्स को दी गई हैं, वहां पर तीन तरीके की गवर्नमेंट है, तीन लेवल की गवर्नमेंट है, नेशनल जिसको फेडरल गवर्नमेंट भी बोला जाता है, देन स्टेट गवर्नमेंट्स होती हैं, देन लोकल गवर्नमेंट, ओके। एंड सेपरेशन ऑफ पावर्स बिटवीन द लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी इज एन इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट। यूएसए का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो स्ट्रिक्ट या फिर मतलब इतना ज्यादा फ्लेक्सिबल नहीं है, उसको चेंज करना बहुत ही छोटा सा कॉन्स्टिट्यूशन है जो सेंटर का है, बट स्टिल काफी रिजिड कॉन्स्टिट्यूशन है यूएसए का। सो यहाँ पर जो डिविजन ऑफ पावर है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, ठीक है। आगे क्या है कि जो वहां की लेजिस्लेचर है उसके दो हाउसेज हैं, एक क्या है सीनेट और दूसरा क्या है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। वहां की लेजिस्लेचर को कांग्रेस बोला जाता है, जैसे हमारे यहाँ पार्लियामेंट बोला जाता है वैसे वहां पर कांग्रेस बोला जाता है। तो सीनेट अपर हाउस होता है और हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव लोअर हाउस होता है। लेकिन क्या है कि कोई स्पेसिफिसिटी नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रिगार्डिंग द एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम, बट इट डज स्टेट दैट कि जो प्रेसिडेंट है वो टाइम टू टाइम जब उनको लगे, ठीक है, वो डायरेक्ट कर सकता है प्रिंसिपल ऑफिसर्स को, या फिर मतलब प्रेसिडेंट जो है एज द चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ डिपार्टमेंट, तो वो जो उनके ऑफिसर्स जो डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं उनको डायरेक्ट कर सकता है जब उसको लगे कि जरूरी है। देन प्रेसिडेंट के पास पावर नहीं है कि वो कैबिनेट को रीऑर्डर कर सके या कैबिनेट को चेंज कर सके, क्योंकि ये पावर जो कांग्रेस के पास होती है। सिविल सर्विस यूएसए की अगर हम बात करें तो मैरिट सिस्टम है, ठीक है, कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स के थ्रू होता है, और सिविल सर्विस के अलावा कुछ पॉलिटिकल अपॉइंटी होते हैं जो कि प्रेसिडेंट चूज करता है ड्यू टू देयर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अचीवमेंट इन अ पर्टिकुलर फील्ड सुटेबल टू द जॉब, और कुछ डिपार्टमेंट इंडिविजुअल्स हेड करते हैं और कुछ डिपार्टमेंट बोर्ड या कमीशन के द्वारा हेड किए जाते हैं। सो आई होप यूएस का तो आपको समझ में आ गया होगा। देन यूके का देख लेते हैं। यूके का आपको पता है कॉन्स्टिट्यूशनल है लेकिन मोनार्की है वहां पर, बेसिकली वहां पर पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी है और मोनार्क का वही सारा फंक्शन है, वही परफॉर्म मतलब उनका पावर या फंक्शन है जैसे हमारे यहाँ प्रेसिडेंट का है।
वहां पर भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स अपर हाउस जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा है, और सेकेंड हाउस ऑफ कॉमन्स लोअर हाउस जिसे हमारे यहाँ लोकसभा है। देन एग्जीक्यूटिव जो है वो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के द्वारा ही हेड किया जाता है, दैट इज प्राइम मिनिस्टर। एंड प्राइम मिनिस्टर की जो कैबिनेट होती है वो बेसिकली मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है, एंड उसके अलावा सिविल सर्वेंट्स होते हैं या फिर अलग अलग, बेसिकली जो कैबिनेट होती है वो डिफरेंट टाइप ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं अलॉन्ग विद सिविल सर्वेंट्स। देन बोर्ड्स एंड कमीशंस है, दे आर फॉर्म टू ऑपरेट एंड रेगुलेट वेरियस इंडस्ट्रीज एंड सर्विस, और जुडिशरी इंडिपेंडेंट है, जुडिशरी का कोई रोल नहीं है यहाँ पर, मतलब सॉरी जुडिशरी के रोल में कोई इंटरफेरेंस नहीं है, जुडिशरी इंडिपेंडेंट है। देन हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है यानी कि जो अपर हाउस है वो हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील है फॉर सिविल केसेस और कुछ क्रिमिनल केसेस के अंदर, ठीक है। सो ये बात यहाँ पर खत्म करते हैं यूके के बारे में। देन बात करते हैं फ्रांस के। फ्रांस में रिपब्लिकन और पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट का मिक्स देखने को मिलेगा आपको, ठीक है। प्रेसिडेंट चीफ एग्जीक्यूटिव है और उसके पास बहुत ज्यादा पावर है रिगार्डिंग लेजिस्लेचर और पार्लियामेंट, एंड प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। सो फ्रांस के आई थिंक अभी जो है वो यंगेस्ट प्रेसिडेंट है। देन द प्राइम मिनिस्टर इज देन चूजन एंड अपॉइंटेड एज पर द प्रेसिडेंट्स विश फ्रॉम द पार्लियामेंट। तो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट की और पार्लियामेंट की मर्जी पे डिपेंडेंट होता है, दैट मींस ही हैज टू एंजॉय द कॉन्फिडेंस ऑफ बोथ प्रेसिडेंट एंड पार्लियामेंट इन ऑर्डर टू सस्टेन हिज पोजीशन। एग्जीक्यूटिव सेपरेटेड है लेजिस्लेचर, बट इसका मतलब यही हुआ कि प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर नहीं है रिगार्डिंग हिज इन्फ्लुएंस इनटू द एग्जीक्यूटिव, लेकिन वही बात है कि अगर वो पीएम को इलेक्ट करते हैं या फिर पीएम के इलेक्शन में इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इन्वॉल्व होते हैं तो पावर डायरेक्टली नहीं सही बट इनडायरेक्टली उनके पास पावर होती है। सिविल सर्विस आर ऑफ टू टाइप, एक तो होती है एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट और एक होती है इंटरनल रिक्रूटमेंट। एक्सटर्नल रिक्रूटमेंट एक ओपन कॉम्पिटेटिव एग्जाम के थ्रू होती है, एंड बेसिकली वहां पर 27 ईयर एज के जो पर्सन है अंडर 27 ईयर्स वो ट्राई कर सकते हैं। एंड इंटरनल रिक्रूटमेंट जो होती है वो यही है कि जो मान लो जो लोअर लेवल पे काम कर रहे हैं उनको हायर लेवल पे प्रमोट किया जा रहा है और वो 36 ईयर्स ऑफ एज से ज्यादा नहीं होने चाहिए। देन सिविल सर्विस के जो या जो सिविल सर्वेंट होते हैं उनको इकोले नेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में ट्रेन किया जाता है उनको फॉर 2 ईयर्स, ठीक है। देन जापान के अंदर जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो 3 प्रिंसिपल पे बेस्ड है। फर्स्ट है सॉवरेनिटी ऑफ पीपल, गारंटी ऑफ फंडामेंटल राइट एंड रिनंशिएशन ऑफ वॉर। ये तो वॉर नहीं करेंगे, सबको फंडामेंटल राइट मिलेगा एंड लोगों की सॉवरेनिटी होगी। वहां का जो एम्परर है वो उनके पास सेम वही पावर है जितनी प्रेसिडेंट के पास और वही रोल है उनका। जापानीज पीपल इलेक्ट द रिप्रेजेंटेटिव टू द जापानीज पार्लियामेंट कॉल्ड डाइट, ठीक है, एंड वो भी बाइकैमरल लेजिस्लेचर है जापान के अंदर भी, दैट इज हाउस ऑफ काउंसलर एंड हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव। दोनों हाउसेस के पास इक्वल पावर है लेकिन कई मैटर में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव के पास सुपीरियरिटी है, स्पेशली इन द मैटर ऑफ फाइनेंस। देन प्राइम मिनिस्टर अपॉइंट किए जाते हैं बेसिकली फ्रॉम द डाइट एंड हु हेड्स द एग्जीक्यूटिव एंड ऑल्सो द एम्परर अपॉइंट्स द चीफ जज ऑफ सुप्रीम कोर्ट। ग्रांट जो है वो लेजिस्लेचर के द्वारा पास की जानी चाहिए, जैसे हमारे यहाँ बजट पास होता है वैसे ही, और उसके बाद ही वो एग्जीक्यूटिव को दी जा सकती है, एंड लोकल गवर्नमेंट को भी इस मैटर के अंदर ऑटोनॉमी है। पीपल पोजेस द राइट टू चूज देयर पब्लिक ऑफिशियल एज वेल एज टू रिमूव देम। और सिविल सर्विस यहाँ पर 2 टाइप की होती है, एक तो होती है स्पेशल गवर्नमेंट सर्विस, ठीक है, और सेकेंड होती है बेसिकली इंक्लूड पर्सनल ऑफ नेशनल गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव एज वेल एज क्लेरिकल स्टाफ, ठीक है। सो आई होप इट इज क्लियर टू यू, बट स्टिल कोई कंफ्यूजन है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। अब छोटा सा टॉपिक और है, दैट इज स्टेटस ऑफ कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन आफ्टर द डिक्लाइन ऑफ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप। याद कीजिए लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप के बारे में, 1970s के अंदर वो डिक्लाइन हो जाता है क्योंकि वहां उन लोगों को लगता है जो मतलब इंटेलेक्चुअल पर्सन थे कि जिस मोटिव के साथ कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप को सेट किया था वो मोटिव अचीव नहीं हो रहा। सो बहुत सारे ऐसे मतलब प्रॉब्लम्स थी इस फील्ड के अंदर, लाइक थ्योरेटिकल एंड फैक्ट बेस्ड स्टडी वॉज ओनली डन एंड सो देर वॉज प्रॉब्लम इन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ दोज मॉडल। ये रीजन दे रखे हैं कि किस वजह से जो कंपैरेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप है वो डिक्लाइन हुआ, ठीक है। सो यूएसए बहुत ही बैड फेज से गुजर रहा था क्योंकि वियतनाम में वॉर छिड़ी हुई थी और फंड के रिगार्डिंग भी प्रॉब्लम्स थी। देन उसके बाद फिर से बूस्ट मिलती है जब
जो स्कॉलर्स हैं लाइक रॉबर्ट डाल, ठीक है, रफेली एंड ड्वाइट वोल्डो, ये प्रोपोगेट करते हैं इस चीज को, एंड दे स्टेटेड दैट विदाउट कंपैरिजन देयर कैन नेवर बी अ साइंस ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है, सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैट का डिक्लाइन हो जाता है, लेकिन उसके बाद क्या है, कुछ स्कॉलर्स आकर के कहते हैं कि बिना कंपैरिजन के एक साइंस डेवलप नहीं हो सकती. उसके बाद जो बिहेवियरल स्कूल ऑफ थॉट है उसकी वजह से काफी सारी अटेंशन ग्रैब करता है वो टू द फैक्ट एंड वैल्यू थ्योरीज ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव मैन, एंड सो कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन सॉ ए रिसर्जेंस. आप एक चीज याद रखिएगा कि ये जो चीज है कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, इसकी जब आप हिस्ट्री पढ़ते हो तब आप पढ़िएगा किस तरीके से थिंकर या किस तरीके से नई नई थ्योरी इवॉल्व होती है. सबसे पहले क्या है, साइंटिफिक मैनेजमेंट थ्योरी आती है, फिर क्लासिकल थ्योरी आती है, देन उसके बाद ह्यूमन रिलेशन है, फिर बिहेवियरल अप्रोच है. तो उसी तरीके से आपको यहाँ पर भी आपको प्रोग्रेस देखने को मिलेगी. ठीक है, अगर आप उनको मतलब ज्वाइन मैच करके चलेंगे या फिर उनको ध्यान में रखकर अगर आप स्टडी करेंगे तो इट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू. सो 1980s की जो स्टडी थी रिगार्डिंग कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, तो वो एक नए ऑब्जेक्टिव, नई फिलोसफी और नई ओरिएंटेशन के साथ शुरुआत होती है. बेसिकली वो क्या स्टडी करते हैं, वेरियस अरेंजमेंट लाइक RTI, रूल ऑफ लॉ, गुड गवर्नेंस एक्सेट्रा इन डिफरेंट कंट्रीज. So it has recently started focusing itself on the analysis of such operations of administrative system which affect functioning of various societies. अब ये देख लेते हैं कि फिलहाल क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं कंपैरेटिव पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर. सबसे पहले तो क्या है, वो ह्यूमन राइट्स का क्या स्टेटस है अलग अलग कंट्री के अंदर, क्या प्रॉब्लम्स हैं, ठीक है, किस तरीके की प्रॉब्लम्स है और किस तरीके से उनको डील किया जा सकता है, ये सब चीजें स्टडी हो रही है फर्स्ट ऑफ ऑल. सेकेंड थिंग क्या है कि जो रूल ऑफ लॉ है उसका क्या स्टेटस है और क्या बैरियर्स आ रहे हैं उसके बीच में. देन सिविल सोसाइटी इंस्टीट्यूशंस की प्रेजेंस क्या है, उनका रोल क्या है, उनका कंट्रीब्यूशन क्या है इन द एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट ऑफ सोसाइटी. फोर्थ क्या है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन, ठीक है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन एंड इन्वॉल्वमेंट इन द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम रिलेटेड टू द वेलफेयर ऑफ पीपल, लोगों का पार्टिसिपेशन कितना है. एंड फिफ्थ थिंग क्या है कि स्टडिंग द प्रेजेंस ऑफ अरेंजमेंट थ्रू विच अकाउंटेबिलिटी ऑफ पॉलिटिशियंस एंड एडमिनिस्ट्रेटर कुड बी इंश्योर्ड टुवर्ड द पब्लिक थ्रू द mechanism prescribed and available like RTI, citizens charter, ombudsman, social audit, etc. तो ये जो है वो नए उभरते हुए concept हैं जिन पे आज के दिन बहुत सारे जो theorist है वो focus कर रहे हैं. ठीक है, human right हो गया, rule of law है, civil society institution है, people participation and accountability of politicians and administrator. So these are the trend, recent trend in study of comparative public administration. So I hope it is clear to you. बहुत सारे example मैंने internet से search करके डाले हैं, ठीक है, ये आपको maybe किसी particular book के अंदर ना मिले, but I hope it will helpful for you. Thank you. नए lecture के साथ जल्दी ही मिलते हैं. Thank you so much. And अगर अभी तक आपने पुराने lectures नहीं देखे हैं, तो फटाफट जा करके देख आइए उनको, ताकि आपको, क्योंकि ये जो है सीढ़ी दर सीढ़ी होती है process पर किसी particular subject की study. अगर आपने first step नहीं cover किया तो आप jump नहीं कर सकते. तो फर्स्ट टॉपिक से लगिए एंड स्टार्ट कीजिए. ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक रहेगा हमारा इकोलॉजी एंड एडमिनिस्ट्रेशन. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल, लाइक द वीडियो, कमेंट लेक्चर के बारे में जो भी अच्छा है कमेंट कीजिए.